एक अनोखा मंदिर जहां मन्नत पूरी होने पर मां दुर्गा को चढ़ती है चप्पल और सैंडल। यूं तो हम भगवान के आसपास चप्पल जूते तक फटकने नहीं देते, लेकिन एक मंदिर ऐसा है जहां मां दुर्गा का नई चप्पल या सैंडल चढ़ाई जाती है। सुनकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन यह सच है। यह मंदिर है मप्र की राजधानी भोपाल में। एक पहाड़ी पर बने इस मंदिर में श्रद्धालु अपनी मन्नतें पूरी होने के बाद चप्पलें चढ़ाते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं इस मंदिर की अनोखी परंपरा के बारे में। राजधानी भोपाल के कोलार इलाके में एक छोटी सी पहाड़ी पर बना मां दुर्गा का सिद्धदात्री पहाड़ा वाला मंदिर है, जिसे लोग जीजी बाई मंदिर भी कहते हैं। दरअसल करीब 18 साल पहले यहां अशोक नगर से रहने आए आईएम प्रकाश महाराज ने मूर्ति स्थापना के साथ शिव पार्वती विवाह कराया था और खुद कन्यादान किया था। तब से वे मां सिद्धदात्री को अपनी बेटी मानकर पूजा करते हैं और आम लोगों की तरह बेटी के हर लाड़ाव पूरे करते हैं। कभी कभी 2-3 घंटे में बदलने पड़ते हैं कपड़े। ओम प्रकाश महाराज बताते हैं कि लोग यहां मन्नतें मांगते हैं और पूरी होने के बाद नई चप्पल चढ़ाते हैं। चप्पल के साथ साथ गर्मी में चश्मा, टोपी और घड़ी भी चढ़ाई जाती है। एक बेटी की तरह दुर्गा जी की देखभाल होती है। कई बार हमें आभास होता है कि देवी उन्हें पहनाए गए कपड़ों से खुश नहीं हैं, तो 2-3 घंटों में ही कपड़े बदलने पड़ते हैं। ओम प्रकाश महाराज बताते हैं कि जीजी बाई माता के लिए उनके भक्त विदेशों से भी चप्पल भेज चुके हैं। मंदिर में आने वाले कुछ लोग विदेश में बस गए हैं, कभी सिंगापुर तो कभी पेरिस से उनके लिए चप्पल आई है। एक दिन चप्पल चढ़ाने के बाद उसे बांट दी जाती है।